हेलो एंड वेलकम टू माय स्टडी। और आज का टॉपिक है बुलिस पियर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैटर्न में दो कैंडल स्टिक एक पेयर में होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कैंडल यानी बियरिस कैंडल जो कि रेड होता है और सेकंड कैंडल ग्रीन यानी बुलिस होता है। इस पैटर्न को हम डाउन ट्रेंड के पर ट्रेस करते हैं। इस पियर्सिंग पैटर्न में सेकेंड कैंडल गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरू होता है और रेड कैंडल के बॉडी को हाफ या उससे कुछ ज़्यादा ओवरकम करते हुए एक नए हाई प्राइस को अचीव करता है और फिर एक बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल के साथ डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है। और हाँ, पबजी लवर्स के लिए एक खुशखबरी, पबजी इंडिया में एक बार फिर लॉन्च होने वाला है। तो क्या आप फिर से पबजी को डाउनलोड करने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब बुलिस इंगल्फिंग पैटर्न के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट ले रहे हैं हम लोग, सिप्ला का डे 1 का चार्ट है। और इसमें देखिए, एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ हमें एक बुलिश पियर्सिंग कैंडल दिख गया, जिसमें पहला जो बियरिश कैंडल के बाद जो सेकंड ग्रीन कैंडल वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ होगा। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरू होगा और फर्स्ट कैंडल के मिडिल तक, हाफ तक या फिर उससे ऊपर तक कहीं जाके वो एक न्यू हाई बनाएगा। उसके बाद जो सेकंड कैंडल होगा एक बुलिश कन्फर्मेशन होगा कैंडल। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया। बुलिश पियर्सिंग कैंडल जो पैटर्न होता है, ये हैमर से, इनगल्फ से और बुलिश हरामी से थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है, पर फिर भी देखिए इस कैंडल में कैसे ये डाउन ट्रेंड को यहाँ से रिवर्स कर दिया और अप ट्रेंड में 580 तक जाके ट्रेड किया है। यहाँ से 490 से 580 तक ट्रेड किया है। तो इसी तरीके से हम लोग बुलिश पियर्सिंग पैटर्न को ट्रेस करेंगे डाउन ट्रेंड के बाद और आगे के कैंडलस्टिक पैटर्न को कैंडलस्टिक चार्ट में एनालाइज करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सबा खैर।